हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग्स। तो भाई लोग, आज हमारे कंपनी ने एक ऑफर दिया हम लोग को तो बाहर जाने का, तो अभी हम लोग कर्नाटक जा रहे हैं। तो आप तो प्लेस ही तो देख ही रहे होंगे, तो मैं अभी बस में आ चुका हूँ, हमारे स्पेशल बुकिंग हो चुका है। तो हम एसी बस के अंदर हम बैठ चुके हैं। यहाँ से अभी हम ट्रैवल करने वाले कर्नाटक के लिए, तो धारवाड़ी जाना है हम लोग को, कि कंपनी के तरफ से ट्रिप है ये। तो इस ट्रिप को एंजॉय करते हुए आप लोग को भी लेकर चल रहा हूँ मैं। तो चलो साथ में चलते हैं अपन, और हमारा बस का पूरा व्यू दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल ट्रैफिक में हम लोग कहीं, अगर जगह पे अच्छे जगह पे होटल में रुकेंगे तब आपका पूरा बस का व्यू दिखाऊंगा। तो इस जर्नी को एंजॉय करते हुए जा रहे हम लोग, तो आप भी साथ में बने रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। अब हमारे साथ में और एक बंदा है, वो है सुभाष, तो हमारा कंपनी का बंदा है, उसको भी दिखा दे। बस का पूरा व्यू लेते हुए अभी जाने वाले, तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ब्रो। अभी पूरा बोरीवली से निकल रहे हम लोग, तो बोरीवली में ट्रैफिक है अभी फिलहाल। तो यहाँ से अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे। एक कौन सा रास्ते से जाने वाले अपने को आइडिया नहीं है, थोड़ा सा लोकेशन भी चेक करके बता दूंगा आप लोग को कि किस रूट में हम लोग जाने वाले। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी को भाई लोग, एसी का मजा लेते हुए। भाई अभी जो व्यू आने वाला है ना, बहुत भारी आने वाला है, तो आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैं, ये जरूर पसंद आएगा तुम लोग को। अंतर्राष्ट्रीय विमान वाला हमारा होटल है, और ये वाला हमारा बस है, आनंद वाला बस। सब पहुंच चुके हैं होटल में, फटाफट खाना खाने का। खाना खाने के बाद अपन चल देंगे, सीधा जाएंगे सोएंगे। भाई भूख लगा था कब से, बट भाई ने अभी 11:30 बजे रुका है। और पूरा होटल में जाते हैं, अभी क्या क्या है देखते हैं, उसके बाद अपन खाना खा के फिर निकलते हैं। तो अभी जाके कोई शूट नहीं करने का, सीधा डायरेक्ट सो जाने का, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए डायरेक्ट। भाई लोग आ चुका है, 150 रुपये में ये दिया है और 90 रुपये में ये वाला दिया है। तो भाई 90 रुपये वाला खाने का कभी भी 150 रुपये वाला खा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसने 2 रोटी दी है, चावल भी समोसा दिया। फायदा हो गया बस तेरा, मेरा फायदा नहीं हुआ है। फटाफट खा लेते भाई, 20 मिनट 10 मिनट खत्म हो गया, लेट हो गया और 10 ही मिनट बचा, फटाफट खा लेते और निकल जाते, नहीं तो बस निकल जाए। तो भाई लोग फटाफट निकलते यार, 20 मिनट लेट हो गया अपने को। 10 मिनट शायद से 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। बस है ना, है रे बस है इधर ही यार, लोग गाय गाय कर रहे हैं। वेफर नहीं चाहिए, खाना खाया ना अभी भाई साहब, खाना हो गया, बस खड़ी है अपना, लेट नहीं हुआ है, फटाफट टाइम टू टाइम खाया अपन। फालतू में ये लोना वाला चिकन लेने का, देखो भाई लोना वाला चिक्की मिलेगा अभी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लगता है, चिक्की चिक्की आगे जाकर पूरा चिक्की चिक्की मिलेगा, बट आगे स्टॉप नहीं रहेगा अपना, सीधा कंटिन्यू सुबह, सीधा डायरेक्ट सुबह उठेंगे। अपना खाना हो गया है, सब कुछ हो गया है, अपने बस के सामने खड़े हैं, अभी बस रेडी नहीं हुआ है, तो बस वाले सबका इंतज़ार करते लगता है, सबको इंतज़ार करेंगे, जो नहीं आया उसको भी लेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो भाई खाना तो हो गया है इस होटल में, तो खाना थोड़ा गाय गाय कर चुके हम लोग, साला 150 वाला मंगाए थे हम लोग, 150 वाला और 90 वाला, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। जो 90 वाला था ना, उसमें अच्छा खासा दिया था उसने, और जो 150 वाला था उसमें रोटी और एक छोटा सा कटोरी में चावल दिया था बस। तो इससे अच्छा बेस्ट तो 90 वाला खा लेने का, तो पेट भर के खाना तो मिलता, 2 रोटी में क्या होता है। तो भाई अभी अपना बस तो रेडी है, चालू है, अभी कोई आए कि नहीं आए सब चेक करेंगे, इसके बाद चल के सीधा दबा दो। तो रात भर तो शूट नहीं हो सकता है, तो मॉर्निंग मिलेंगे अपन डायरेक्ट,
तो अभी सिर्फ आराम करेंगे, अभी सीधा बस चढ़ के। तो भाई प्राइवेट और यार आरटीसी बस भी आती है, प्राइवेट भी मिलेगा गवर्नमेंट भी मिलेगा, दो बस यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको बाय चांस कोई रास्ते में छोड़ भी दिया रहेगा तो बहुत सारे बसेस है, आप ट्रैवल आराम से कर सकते हैं दूसरे में। बट अपना सामान मत भूलना, सामान तो रखना है, अपने सामान अपने पास ही रखना। तो बैग लेके चल रहा है, देख रहा बैग हम लोग ने कहीं छोड़ा नहीं है, बैग पहन के घूमने। चलो गाइस अभी हमारा बस जा रहा है। जा रहा है किधर? अभी इधर ही बैठा है। नहीं फोन तो मार रहा है अभी, बंदे लोग को आने का जाने की तैयारी हो रही है। अभी तो कोई नहीं आएगा, उसको फोन करेंगे हमारा अंकल जी सब ढूंढेंगे बस वाला। तो डायरेक्ट अपन मॉर्निंग में मिलते हैं एकदम छकाछक होकर। तो अभी फिलहाल तो जर्नी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बीच में लोनावाला वो क्या बोलते खंडाला आया था, तो वो सब तो खंडाला आप लोग ने तो बहुत बार देख चुके होंगे, इसलिए मैं कुछ दिखाया नहीं उसको, क्लिप का लिया नहीं। तो चलो हॉर्न बजा रहा है, अपने लिए बुलावा है, चलो फटाफट। और अंकल खाना हो गया अंकल आपका? हाँ हो गया, आ जा, आ जा। चलो चलो हमारा सीट आ चुका है। ये ट्रैवल वालों को ना एक फायदा जरूर है, क्योंकि बस में ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं प्लस ट्रैवलिंग भी चलाते हैं, तो दोनों का फायदा है। तो सामान भी लेके जाओ उसका पैसा अलग से, जो बंदे लोग को लेके जाओ वो अलग से, नीचे सामान ऊपर बंदे लोग, तो डबल ट्रिपल फायदा होता है। तो प्रॉफिट तो है बट रिस्क भी है, जहाँ रिस्क हो वहाँ प्रॉफिट जरूर रहता है, तो अच्छी बात है। अभी निकल रहा है, रिवर्स हो रहा है, एसी बस है भाई, एसी बस में पैक रहता है तो ओपन करने के लिए चांस नहीं रहता। ये नॉन एसी हमारा, तो ओपन करके दिखा सकते हैं। बच्चे लोग को एसी में बिठाया है, जिसको एसी की आदत नहीं रहती उसको भी एसी में डालोगे तो क्या हाल होगा। मस्त रात भर सोने का भाई, मॉर्निंग में मिलूंगा मैं। हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे 8:30, हम लोग कर्नाटक में पहुंच चुके हैं, मतलब कर्नाटक के बॉर्डर के अंदर क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी होटल में रुके फ्रेश होने के लिए, फ्रेश हो चुका हूं मैं, तो थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे अभी। ये होटल है हमारा, मतलब नाश्ते का होटल है, सिर्फ नाश्ता वगैरह देते हैं, खाना वाना कुछ नहीं है। तो नाश्ता करेंगे, फ्रेश हो चुके हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर चलेंगे, और थोड़ा एक डेढ़ घंटा लगेगा तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे अपन। तो आनंद ट्रैवल्स वाले कुछ ठेका लेके रखा है, मतलब एक एक होटल के इधर उन्हीं का बस रुक रहा है इधर, तो ये वाला सीन है अपना। तो हाईवे भाई, हाईवे बहुत खतरनाक है, सुबह व्यू खतरनाक मिल रहा है, क्योंकि पूरा खेती गन्ने का खेती दिख रहा है भाई, गन्ने का खेती के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा, पूरा गन्ने का ही खेती दिख रहा है। तो पूरा मॉर्निंग व्यू खतरनाक था। तो अभी फटाफट नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर चल देंगे अपन सीधा, और एक डेढ़ घंटा लगे अपने को जाने के लिए, तो एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे अपने लोकेशन पर, वहाँ सामान देंगे फिर निकल जाएंगे। अभी हमारा सुभाष भाई किधर गया पता नहीं, आगे जा चुके हैं। तो आनंद ट्रैवल्स वाले इधर ही रुकते हैं, यहाँ पूरी भाजी मिलेगा शायद से, हमारे यहाँ का स्पेशल पूरी भाजी रहेगा, तो पूरी भाजी खाते अपन उसके बाद निकल जाते हैं। तो चलो फटाफट, 20 मिनट दिया है इधर भी नाश्ता करने के लिए, 20 मिनट खाना खाने के लिए, 20 मिनट दोनों 20-20 मिनट ही दे रहे हैं। तो खाते फटाफट निकलते भाई, और एक डेढ़ घंटे में अपने लोकेशन पर रहेंगे, देखेंगे कोई नज़दीक का कोई लोकेशन वगैरह रहेगा तो घूमने के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे, अगर टाइम नहीं रहेगा तो फिर निकलना पड़ेगा। इस बार अपन जाने के लिए देखेंगे फिर बस यूज़ करेंगे या ट्रेन, तो मैं सोच रहा हूँ ट्रेन में बेस्ट रहेगा, क्योंकि यार बस में बहुत कंटाल आता है, वो मज़ा नहीं है जो ट्रेन में मज़ा आता है। तो देखते ट्राई मारते, अभी नाश्ता कर लेते हैं फिलहाल,
क्या मिलेगा देखना पड़ेगा अभी। अभी अपना जो बंदे को पार्सल देना है वो बंदा अपने को लोकेशन भेजा नहीं, अभी भेजने वाला है। बाय सुबह बाय, लोकेशन भेजा कि मैं बता सकता भाई। में 20 मिनट तो ऐसे ही गवा देगा, सिर्फ चाय पिला रहा है। हम लोग नाश्ता तो सोचा था, नाश्ता कहीं से हमें सिर्फ चाय पीना पड़ेगा, चाय पी के निकलना पड़ेगा। फिर बाद में वहाँ पहुँचने के बाद अपन खाएंगे होटल दबा के। पूरा येलो येलो का पूरा ये टारगेट बना के रखा, सब येलो येलो गाड़ी। आनंद ट्रैवल्स वाला इधर ठीक लेके रखा है, सब इधर ही रुको। वो लड़की कहाँ गई उधर, ये वो गलत ड्रेस पे चढ़ गई भाई। एक लड़की सीधा गए अपने बस में पहला, उसके बाद क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, डिजाइनिंग सब कुछ, नाम नीम सब कुछ सेम, इसीलिए अपने गाड़ी में चली। उसके बाद फिर उतरी उधर जाते, फिर बेटा ना वैसे ही अपना नॉर्मल सी क्या, अरे सेम तो दिख रहा है, कौन सा अलग है। वैसी भी मैं भाई लोग अपना बस दिखाता हूँ आपको, दोनों दोनों बस सेम है ना। चल भाई मिलते हैं अभी अपना लोकेशन के पास पहुंचने के बाद, आप लोग को मिलूंगा आपसे। तो लोग भाई लोग बेलगांव पहुंच चुके हैं, तो बेलगांव सिटी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, व्यू भारी है इसका। कंपनी के पास जा रहे हैं, रिक्शा में बैठ चुके हम लोग, तो रिक्शा में बैठ के सीधा जाएंगे कंपनी के इधर, क्योंकि हम लोग को एड्रेस नहीं पता। तो एक अंकल जी मिल गए हमको, तो अंकल जी लेके जा रहे हैं डायरेक्ट कंपनी के पास, तो कुछ ज्यादा तकलीफ तो होने वाली नहीं है, क्योंकि हमको लगा उठा के लेके जाना पड़ेगा। वजन है भाई, ये देखो पार्सल है हमारा, ये पार्सल को लेके जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा वजन है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही वजन है। सुभाष आखिरकार पहुंच चुके हैं अपन, अभी जाएंगे कंपनी में, कंपनी दिखाऊंगा आप लोग को, बड़ी कंपनी है दिखाएंगे आप। और भाई दारवाड़ी क्लीन सिटी है, एकदम ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी है, साइंस का रिसर्च सेंटर भी है और हेल्थ सेंटर भी है, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर भी है और प्लस इंडस्ट्री एरिया भी है यहाँ आसपास में, पूरा इंडस्ट्री एरिया है, तो काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बेस्ट जगह है दारवाड़ी। और प्लेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज संडे इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है मेरे को, जब संडे नहीं रहती तो यहाँ का माहौल कुछ अलग रहता होगा। तो आज संडे तो सब छुट्टी पे एंजॉय कर रहे होंगे, तो देखेंगे अभी कहीं यहाँ प्लेस आसपास है तो घूम के हम लोग देखेंगे प्लेस कैसा, वो भी देखेंगे। तो बड़े बड़े मॉल भी है देख सकते हैं, तो पूरा भाई प्लेस तो एकदम क्लीन है, तो साफ सफाई थोड़ा अच्छी है, स्वच्छ भारत यहाँ दिख रही है अच्छा खासा है। और तो आ चुके हैं हमारे कंपनी में, ये है भाई बड़ी कंपनी है इसलिए एंट्री नहीं है अंदर, तो हम लोग ने मोड़ दिया है। मोड़ देने के बाद अभी हम लोग को सीधा जाना है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में ना अलाउ नहीं रहता, हम लोग ऐसा कुछ वीडियो वगैरह बना नहीं सकते, अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं दिया। तो यहाँ से चलते हैं अपन सीधा रिटर्न, अभी क्या बस है, किधर से ट्रेन है, क्या है, सब कुछ देख के अपन चलेंगे। तो भाई ग्रीनरी मज़ा आ गया, और कंपनी बहुत बड़ी है तो एंट्री वगैरह नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, तो देख लिए हम लोग ने। तो अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा अपने मुंबई के लिए। तो भाई यहाँ तक ही एंड रहेगा वीडियो, क्योंकि यार और कुछ प्लेसेस है वो सर्च मारने वाले, क्योंकि यहाँ पूरा स्टडी का इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत सारे हैं, और प्लस हेल्थ केयर है, तो ज़्यादा कुछ प्लेसेस है नहीं, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा टूरिस्ट प्लेस के लिए, तो अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो अपने को जल्दी मुंबई के लिए निकलना है, इसीलिए तो हम लोग ने बोला कि यहाँ तक ही एंड करते हैं। भाई वीडियो यहाँ तक ही एंड रहेगा, तो बहुत सारे वीडियो और आने वाले हैं, वो तो मज़ा आने वाला है आप लोग को, तो एंड तक बने रहना, तो लाइक्स कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और मेरे वीडियोस देखते रहना, बहुत मज़ा आते रहेगा आपको, एंजॉय करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।